दिल्ली में आज बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शाम 4:30 बजे आयोजित की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी। बैठक से पहले बिहार विधान परिषद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धोखा दिया है और विश्वासघात किया गया, आज उन्हीं सब मुद्दों पर आगे की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई गई है। बिहार की जनता के साथ जिस प्रकार का विश्वासघात किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से विश्वासघात किया गया है, विकास के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया गया है, स्पष्ट हो गया है कि इनको बिहार के आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। लेकिन घबराइए मत, बिहार की जनता के साथ हम खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज बैठक कर रही है। बिहार के प्रमुख नेताओं की बैठक आज शाम केंद्रीय कार्यालय में होगी और भावी रणनीति भी तैयार की जाएगी। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शाम 4:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज मौजूद रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में से सब पहले बिहार विधान परिषद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि जिस तरह से बिहार की जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धोखा दिया है और विश्वासघात किया है, आज उन्हीं सब मुद्दों पर आगे की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई गई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे दिल्ली संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, क्या लगता है किस तरह की रणनीतियां बनेंगी, क्योंकि बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है? जी उर्वशी, देखिए आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में बिहार भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जितने भी 20 सदस्य हैं बिहार भाजपा कोर कमेटी के सदस्य, वो सभी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक होगी। इस बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा कि किस कारणवश बिहार में एनडीए टूटी है और आगे किस तरह से बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होगा, भाजपा से कौन होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है, जिसमें बिहार भाजपा कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और इस पर रणनीति बनाएगा कि किस तरह से जो महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, उसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन और आगे की रणनीति भाजपा अपनाएगी। संजय मयूख, जो कि बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से विश्वासघात किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के साथ, तो इन तमाम मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा की बैठक होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केशव तमाम जानकारियों के लिए। हम आपसे अपडेट लेंगे जब कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी तब। तो बिहार बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से विश्वासघात किया, बिहार की जनता को धोखा दिया, संजय मयूख से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि इसी मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। देखना होगा किस तरह की रणनीतियां बनती है।